तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल योर टेक सपोर्ट एंड गेमिंग में। तो गाइस, आज के वीडियो गाइस रहने वाली है सेकंड मिस्ट्री गेम की प्रेडिक्शन के बारे में, या हम कह सकते हैं लीक्स के बारे में, या मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में सेकंड वीडियो। एंड गाइस, पिछली बार जो मैंने वीडियो डाली थी अराउंड 2-3 दिन पहले, एक तो गाइस मेरा एग्जाम था, ऊपर से जो मैंने लीक्स एपिक गेम्स ने ट्विटर पे शेयर किया था वो एक्चुअली मुझे बॉर्डरलैंड्स के अगले दिन शेयर किया था, तो मुझे लगा कि मतलब सेकंड मिस्ट्री गेम्स के लीक है, बट वो एक्चुअली में बॉर्डरलैंड्स 3 के लीक्स थे। थोड़ा मेरे से हल्की सी मिस्टेक हो गई थी एंड काफ़ी लोगों ने टैग भी करके मेरे को बताया, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस में मैं भी आ गया था। बट आज की वीडियो जो भी लीक्स आए गाइस जेन्युइनली सेकंड मिस्ट्री गेम्स के लीक हैं। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं टारगेट दे रहा हूँ 3000 लाइक्स ओनली। आप सभी लोग करा दोगे विद इन 24 आवर्स कंप्लीट। ऑब्वियसली मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। तो ज्यादा बातें नहीं करते, चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो भी लीक्स काइंड ऑफ आ रहे थे, है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो, ये वाला कुछ करके आया था लीक्स, हाँ यही वाला कुछ करके आया था जो मैंने इस एपिक गेम स्टोर ने एक्चुअली बॉर्डरलैंड्स से आई थी ना अपना 19th of May को, तो 20th of May को उन्होंने पोस्ट किया था। तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स को लगा कि यही नेक्स्ट मिस्ट्री गेम्स के लीक है, बट एक्चुअल में मैंने जब देखा, थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो पता चला कि बॉर्डरलैंड्स 3 के ये वाले साइंस हैं सारे, जो पहले अराउंड ये वाला साइन हो गया एंड ये वाला साइन हो गया ना, और साथ में एक दो और भी जो साइंस थे, मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये तो वही सेम वाले साइन है, एक दो और जो टोटल 9 साइंस आए थे वो सारे बॉर्डरलैंड 3 के ही साइन थे। अभी अपन बात कर लेते जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ बताया था, मतलब जो फ़ोटोज़ वगैरह लीक हुई थी चाइनीज़ वेबसाइट पर, तो वो फ़ोटोज़ थी कुछ इस तरह से, जिसमें से ये कुछ मैंने आपको ट्रांसलेशन करके भी दिखाया था, बैक स्टेपिंग कुछ बात की गई है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ मैंने एक्चुअली आज रेडिट में जस्ट मैं ऐसे ही सर्व कर रहा था, मेरे को लिंक एक्चुअली मंसूर भाई ने शेयर किया इस सब रेडिट का, एंड कुछ मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, तो मेरे को एक कमेंट्स पढ़ने में आया कि इस एक्चुअली मेरे को चाइनीज़ तो आती नहीं है, हाँ आप सभी की तरह ही हूँ मैं, तो मेरे को ये समझ में आया कि एपिक गेम्स कहना चाह रहे हैं हम सभी को इस पोस्ट के जरिए, कुछ मूवी का ये सीन है, पुरानी मूवी का, चाइनीज़ मूवी का, कहना चाह रहा है कि एपिक गेम्स बॉर्डरलैंड्स 3 जिन्होंने एक परचेज़ की थी कुछ ही दिन पहले एपिक गेम स्टोर से, उनको एक्चुअली में थोड़ा वो कर रहा है, थोड़ा प्रोवोक काइंड ऑफ कर रहा है कि अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है कि जो भी एपिक गेम स्टोर पे गेम्स हैं अभी या ऑन सेल चल रही हैं वो फ्री हम नहीं करेंगे काइंड ऑफ, है ना। तो अगर आपको मैं सब रेडिट दिखाऊँ, इसका कमेंट वगैरह दिखाऊँ, तो इस कमेंट में भी यही बात की गई है, थोड़ा मेरे को कमेंट बंदे का थोड़ा सही लगा। अनदर क्लू फ्रॉम एपिक गेम्स चाइनीज सोशल मीडिया, द रिमेनिंग 3 वोल्ट गेम्स आर नॉट करंटली ऑन सेल ऑन एपिक। एपिक गेम्स ने कंफर्म कर दिया है कि अगली जो 3 वोल्ट गेम्स होने वाली हैं एपिक गेम स्टोर पे सेल पे नहीं होने वाली, विच मीन्स दैट द नेक्स्ट 3 गेम्स आर आइदर नॉट ऑन एपिक येट ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एपिक बट नॉट करंटली लिस्टेड विद डिस्काउंट प्राइस। तो अभी जो भी सेल में डिस्काउंट जो भी गेम्स पे एपिक गेम्स पे डिस्काउंट चल रहा है वो गेम्स तो नहीं आने वाली, इस पोस्ट के जरिए हमें पता चल गया। तो ये भी थोड़ा डीकोड हो गया कुछ, यहाँ लीक का वो पता नहीं क्या भाई ली पता नहीं बाओ करके कुछ बंदा, तो उसका कुछ बात की गई थी, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, मैं लिंक वगैरह दे दूंगा आई बटन में। तो उसके बाद गाइज, अभी ऑफिशियली जो क्लू हमें देखने को मिला है एपिक गेम स्टोर की तरफ से, ये वाले साइंस तो पुरानी है, ऐसा कुछ क्लू नहीं हमें देखने को मिला। इसके बाद जो क्लू आएगा मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, अराउंड 26th May को आने, उससे पहले 24th या 25th को आएगा ये वाला क्लू, तो हाँ परसों तक आएगा ये वाला क्लू आप जब वीडियो देखोगे। तो अभी जो ऑफिशियल क्लू निकल के आया है थर्ड मिस्ट्री गेम को लेके, वो कुछ इस तरह से है, जिसमें से ये देख सकते हो कुछ ऊपर लिखा हुआ है सेम के ईयर बताया गया और मंथ बताया गया, फिफ्थ एंड डेट बताई गई है 26th, तो 26/5/2022 26 मई 2022 को ये गेम आने वाली है। एंड ये कुछ मैंने जब रेडिट पे, ऑब्वियसली रेडिट पे ही इतने सारे क्रिएटिव लोग हैं, तो रेडिट पे देखा तो ये वाला कुछ सीन जो लिया गया है वो एक लिया गया है चाइनीज़ मूवी करके कोई, अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, ए बेटर टुमोरो करके एक चाइनीज़ मूवी है। एक्चुअली मैं चीज़ मेरे को 2 दिन पहले की पता थी, बट ऑब्वियसली मेरा एग्ज़ाम था तो मैं नहीं बना पाया ये चीज़। तो ये वाला सीन जो लीक हुआ एपिक मिस्ट्री गेम्स पे, तो ये लीक हुआ है, ये यार कैसे मैं ओपन ही न्यू टैब नहीं कर रहा, तो ये वाला सेम, ये देख सकते हो ये फोटो एंड ये फोटो सेम उसी से लीक हुई है चाइनीज़ मूवी एक बेटर टुमोरो करके। तो
ये इशारा कर रही है गाइस दो गेम्स की तरफ। सबसे पहली जो गेम है कुछ काइंड ऑफ कह सकते हैं अपन की होते थे ना पहले जैसे गैंगस्टर टाइप, उसी तरह से कुछ गेम है। तो गेम पहले जो इशारा कर रही है वो है गाइस मैक्स पेन 3। तो पर्सनली ये थोड़ी मेरे को अपीलिंग लगी गेम, क्योंकि ये एक्चुअली अंडर रेटेड थोड़ी गेम है अगर हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, इन द टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, सब कुछ ठीक है रॉकस्टार की तरफ से। सबसे बड़ी बात तो आपको पता है पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था कि अलग अलग पब्लिशर्स की गेम आई थी। ऐसा नहीं कि हर गेम 2K की आएगी या हर गेम रॉकस्टार की आएगी। तो एक गेम 2K की ऑलरेडी चली गई है हमारी, को जो पहली बॉर्डरलैंड्स 3 है ना, एंड सेकेंड गेम में भी अगर 2020 वाले एपिक ने सीन करना है तो मैक्स पेन 3 आ सकती है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो शायद इन्होंने बात की है, नहीं आई डोंट नो इस चीज़ के बारे में। हाँ ओ बैनर कुड भी मैक्स पेन 3 करके है, तो मैक्स पेन 3 के रिलेटेड बात की है यहाँ से नहीं, और भी काफ़ी सोर्सेज से मुझे देखने को पता चलने को मिला, मतलब काइंड ऑफ की मैक्स पेन 3 आ सकती है इस चीज़। ये ऊपर ऊपर मैं आपको सातों सेंटेंस लाइंस कंफर्म कर देता हूँ। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया चाइनीज़ ये वाला कुछ सीन है, चाइनीज़ मूवी पोस्टर से बना हुआ है। ओके मैक्स पेन सीरीज़ हाँ सेम जो अंदर वाला कुछ डायलॉग है नेम्ड करके है वो मैच कर रहा है मैक्स पेन 3 से। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। द लाइन एट द बॉटम मीन्स दे आर बर्निंग टू मच, ओके विच मीन्स दे आर स्पेंडिंग वे टू मच, कुड बी रेफरिंग टू मैक्स पेन 3 इनक्रेडिबली हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके मैक्स पेन 3 का प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ बढ़ा दिया इन्होंने काइंड ऑफ, है ना, और $105 मिलियन। तो ये वाली जो लाइन है इसमें आई गेस मैं अगर आपको बता सकूँ पुराना, तो ये वाली नीचे जो लाइन है इसकी बात ये शायद कही गई, ये भी रेडिट से ही लीक हुई है, यही वाली सीन से लीक हुई है। एंड थर्ड जो है गाइस पीसी वर्जन ऑफ, ये सबसे बड़ा फैक्ट हो सकता है, जो पीसी वर्जन मैक्स पेन 3 का रिलीज हुआ था 29 मई 2012 को, एंड अभी 2022 है अराउंड मई का मंथ, 26 मई को गेम आने वाली है। तो अराउंड 10 इयर्स एनिवर्सरी है मैक्स पेन 3 की, तो मे बी बाकी गॉड नोज मैक्स पेन 3 आ सकती है। बाकी यार तुम लोग कहोगे मैक्स पेन 3 पुरानी गेम है, 2012 की गेम है, ऐसे तो GTA भी 2013 की गेम थी ना, GTA 5, फिर भी तुम लोग अभी तक अच्छी लगते हैं तुम लोगों को GTA 5, उसी तरह से मैक्स पेन 3 बहुत ही ज़्यादा सही गेम है। पर्सनली मैं खेली नहीं, बट मैंने काफ़ी सारे गेम प्लेस देखे हैं एंड सारा कुछ है मेरे पे बड़ी भी है स्टीम पे। एंड साथ ही साथ फोर्थ जो पॉइंट है, रेमेडी एंड रॉकस्टार जस्ट अनाउंस द कोलैब ऑफ मैक्स पेन 1 एंड 2 रीमेक लास्ट मंथ। ओके तो दिस कुड बी अ परफेक्ट टाइमिंग टू गिव अवे मैक्स पेन 3 टू ब्रिंग अप द सम हीट फॉर द फ्रेंचाइज। तो आपको पता है एपिक का हमेशा से रहा है, जैसे GTA 5 तो अनएक्सपेक्टली उन्होंने फ्री दे दी थी, बट उसके बाद हमेशा से रहा है कि पुरानी फ्रेंचाइज को बढ़ाने के लिए या फिर नई फ्रेंचाइज को ग्रो करने के लिए वो पुरानी फ्रेंचाइज को गिव अवे कर रहा है। इसी तरह से अभी मैक्स पेन 1 एंड 2 का रीमेक लॉन्च मतलब रॉकस्टार ने अनाउंस किया है रिसेंटली। तो मैक्स पेन 3 दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मैक्स पेन 3 टू बी गिव अवे ऑन एपिक गेम स्टोर, ताकि पुरानी फ्रेंचाइज को भी हाइप मिल सके। तो ये कुछ एक हो सकता है। और लास्ट मंथ ये रॉकस्टार ने कुछ मैक्स पेन 3 का ऑफिशियल साउंड ट्रैक नया बनाने का कुछ बात की थी, तो ये कुछ हो सकता है ना। तो कुछ विच वॉज GTA 5, ये तो कुछ बात की गई है, ये बात की गई है कि हमेशा रॉकस्टार गेम्स अपना हाइप बढ़ाने के लिए ये चीज़ करता है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पुरानी गेम्स नहीं आने वाले एपिक गेम स्टोर पे, नहीं मतलब जो भी सेल पे है या डिस्काउंट पे है वो गेम्स नहीं आने वाली मिस्ट्री वॉल्ट गेम्स में। होप सो, बाकी एपिक का कुछ भी करता रहता है, नशे चलते रहते हैं भाई, आई डोंट नो एट ऑल। एंड जो सेकेंड गेम हो सकती है वो हो सकती है गाइज, बट मेरे को नहीं लगता यार ये गेम मतलब वर्थ इट है, काइंड ऑफ अच्छी गेम है बट मिस्ट्री वॉल्ट लेवल नहीं है ये वाली गेम स्लीपिंग डॉग्स। तो अभी तो अराउंड स्टीम पे अगर मैं बात करूँ, ये स्टीम मैं सीधा इधर से ही खोल लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ ओके स्लीपिंग डॉग्स स्टीम, तो देख सकते हो स्लीपिंग डॉग्स स्टीम पे जो भी मिल रही है हमें अराउंड मिल रही है 109 रुपये के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज सुबह मैंने देखा था 109 रुपये के आसपास। तो 109 रुपये की गेम इज नॉट वर्थ इट ऑन एपिक गेम्स मिस्ट्री वॉल्ट गेम, जो कि सबसे बड़ा मई जून में रहता है कि सीन एपिक गेम्स का। बाकी कुछ कल आज 23 को आप वीडियो देखोगे, 24 तारीख को इस तरह से कुछ लीक आएगा जैसे फर्स्ट गेम का आया था, तो वो आपको मैं शोर्डली या इंस्टा पे बता दूंगा, इंस्टा फॉलो कर अगर नहीं किया है, या फिर यूट्यूब पे एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना के बता दूंगा। तो बाकी ये तो कन्फर्म हो गया है कि ब्लॉकबस्टर गेम्स ही आने वाली है एपिक गेम स्टोर पे। टेंशन मत लो, मज़े करो, हाइप में रहो, हाइप में रहो कह सकते हैं, क्योंकि यार हाइप में रहोगे तभी मज़ा आएगा गेम्स क्लेम करने में।
सीधी सी बात है ना। तो यही था आज की इस वीडियो में, ज़्यादा बातें नहीं करते, मैंने आपको अच्छे से जो भी अभी तक अपडेट्स से मैंने आपको बता दिया। एंड कल फिर मेरा एग्जाम है, तो मेक श्योर हल्का सा लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ये कल ओजी को वैसे बाय द वे हल्का सा विश कर देना लास्ट पे गाइस, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ये तो मैंने आउटरो ऑलरेडी शूट कर ली, चलते हैं गाइस जल्दी से आउटरो की तरफ। सो गाइस आई होप लाइक दिस वीडियो, मैंने आपको अच्छे से बता दिया जो भी सेकंड मिस्ट्री गेम के बारे में लीक्स आ रहे थे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ऊपर से बताऊं तो सबसे पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीक आ रहा है वो आ रहा है कोई ओपन वर्ल्ड गेम को लेके। नो मैटर कोई सी भी गेम हो सकती है, स्लीपिंग डॉग्स काफी लोग कह रहे हैं, काफी रेडिट पे बहुत से लोग मेजोरिटी ऑफ लोग स्लीपिंग डॉग्स को कह रहे थे। एंड सेकंड जो गेम बहुत ही ज्यादा मतलब चांसेस लग रहे हैं वो है गाइस मैक्स पेन 3। तो और भी काफ़ी सारी गेम्स हैं, आप बताओ क्या लगता है आपको, उन कौन सी ओपन वर्ल्ड गेम्स हैं जो इस थीम से मैच करती हैं जो आपने सुना हो या खेली हो, कमेंट सेक्शन में। और चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक का टारगेट श्योरली कंप्लीट कर देना, 3000 लाइक्स आई एम श्योर आप सभी लोग कर दोगे। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते, चलते आउटरो की तरफ। लास्ट पे गाइस सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड लाइक करते रहिए मेरे चैनल की सारी वीडियोज़ को। बाय बाय गाइस, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लगा लो अपने आप, बाय बाय गाइस।